हर तरह से आपका दिल लुभाया जाएगा। ये ज्ञान बुद्धि विवेक का परिचय कराया जाएगा। ये रात भर होगा जवाबी का मुकाबला, हार जीत का फैसला सुबह सुनाया जाएगा। क्या बात है भैया, थोड़ा बोलिए बढ़ा दे इसका, थोड़ा बोलिए। हेलो हेलो, अरे आइए भैया की तरफ से एक कठपीस आया, उसका जवाब सुनिए। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कितना सताओगी रानी, अभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे। पहले ही कठपीस में भैया ने दिखाया है। पिता पुत्र का कैसा नाता रहेगा, कौन पापा कहेगा, कौन पापा कहेगा, आप विडंबना दिखा रहे हैं कि कौन पापा कहेगा, तो मैं ऐसे ही आपको विडंबना दिखा रहा हूं। सुनिए राम शर्मा जी, कि विद्या को सीखा है सही सलीका है, बेटा को गुरु बनाया पिता। ये बहुत अच्छे राम भैया, और निर्णायक समिति नोट करेगी इस पॉइंट को। ये गुरु बृहस्पत का पुत्र कच्छ, जिन्होंने अपने बेटा को ही गुरु मान लिया। कि विद्या को सीखा है सही सलीका है, बेटा को गुरु बनाया पिता। तो बेटा तो बेटा है, चल जाए जो हेटा है, कैसा गुरु ये बनाया पिता, ये बनाया पिता। तो सुनिए पिता पुत्र का कैसा नाता रहेगा, नोट कर लीजिए। आपके जैसी बात है, कौन पापा कहेगा, कौन पापा कहेगा, कौन पापा पापा कहेगा। ये आप कठपीस के माध्यम से कह रहे हैं कि कौन पापा कहेगा, जब पिता बेटा को गुरु मान ले तो उससे क्या कहेगा फिर। जय हो, वो जवानी का मैटर है, ये गुरु चेला का मैटर है। वो ये 251 रुपए, हाँ बिल्कुल। और ये 251 रुपए नरेंद्र पाल सिंह, सिंह मंडल अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा।
कि कौन पापा कहेगा, कौन पापा कहेगा, कौन पापा कहेगा। नोट कर लो राम भैया, तुम्हारे काम आएगा अगले राउंड के लिए, और अपने गीत में इसको जोड़ लेना, फिर उसके बाद में और एक और जवाब दे दूंगा आपको। आइए इनकी तरफ से एक गीत और गाया गया, उसका भी जवाब सुनिए। बोलो भैया त्रिपाल भाई। एक धुन गाई है कौन सी, कि जमाना तो करो बट जमाना तो करो बट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बने मिटेगी ना ओर से मोहब्बत हमारी, जिंदगी के सौ सौ फसाने बनेंगे, फसाने बनेंगे, फसाने बनेंगे। तो मेरा प्यार वो है कि कर भी तुमको जुदा अपने बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है कि भी तुमको जुदा अपने बाहों से होने न देगा। मेरा आप गीत में दिखा रहे हैं कि ये धन्यवाद तो क्या है, जय हो, कि ये रावण तो क्या है। अब सुनिए जवाब कैसे होता है राम भैया। लेकिन जब सीता जी आप दिखा रहे हैं, अंगद को दिखा रहे थे गीत के माध्यम से, जब सीता जी लंका से अयोध्या वापस आ गई तब है कि रावण न मारा, और ये 100 रुपए भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीता जी कहने लगी राम भैया सुनिए भगवान राम से कि रावण न मारा, मारी वो रावड़ी पुष्कर में जाके देखो तो जाके, बाप देगा तुमको सहस्त्रमुखी रावण, आप देखो जाके वो रावण नहीं मारा, आपने एक रमड़िया मारी। सीता जी कहने लगी भगवान राम से आप बहुत बड़े धुरंधर बन रहे हैं, मैंने रावण मारा, रावण नहीं एक रमड़िया मारी आपने। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राज बहादुर दीक्षित सिंह मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया है जाए, वो तो अभी जवाब दे रहा है ना कि रावण न मारा, मारी वो रावड़ी पुष्कर में जा के तो देखो, कि रावण न मारा, मारी वो रावड़ी पुष्कर में जा के देखो तो जाके, के वीरों का वीर वो धुरंधर बड़ा है, वीरगढ़ कहाओ तो जाओ वहां के।
1 रुपए का पुरस्कार लाल बहादुर दीक्षित सिंह मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके लिए। तब हलवा काम कहने लगे, निर्णायक समिति ध्यान देगी मेरी तरफ कि अगर हो आदेश है ये तुम्हारा तो हवाओं का मैं तो मुख मोड़ दूंगा, और ये सो मुख का रावण, ये सो मुख का रावण पल में उड़ा के कच्चे खड़े की तरह मोड़ दूंगा, भगवान राम कहने लगे कि रावण 10 मुख छोड़िए 100 मुख का भी हो तो मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, ये 100 मुख का रावण पल में उड़ा के कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, और ये भैया की तरफ से ऋषि कुमार दीक्षित जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, कुछ दिन के बाद सरसैया पर पड़े पितामह, आई उनकी याद, जब युधिष्ठिर राजा बन गए तो उनको याद आई पितामह की, देखी पितामह की दशा तो नैन नील बहने लगे, धरकर हृदय में धैर्य फिर यूं धर्मराज कहने लगे। आपकी तरफ से महाभारत, इधर से महाभारत, आपकी तरफ से रामायण। तो कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा है? ओ मेरे ढोल सजना में तुमसे प्यार करूं, प्यार करूं दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए, अब तो सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले
ठंडे दिमाग से। कहने लगे कि तिरियो धन ने तो धन का दुराचार किया, कि तिरियो धन ने तो धन का दुराचार किया, कराकुल कौरव दल का संहार लिया, कि होनी ने होने न दिया हमने तो किया प्रयास, अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का जग में अमर हुआ इतिहास, जग में अमर हुआ इतिहास, मगर पितामा हमें बता दो आए त्यारे हम पास, किस समय वो पिता लड़ हमने जीता, समय वो पिता लड़ हमने जीता, तो पूछ रहे हम पास खड़े, कहने लगे पितामह से क्या समय वो पिता लड़ हमने जीता, तो पूछ रहे हम पास खड़े, मरने वाले मर जाते हैं, कि मरने वाले मर जाते हैं, तुम भी कब मर जाओ, सूख रहे हो तुम तीरों पर, क्योंकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वरदानी है, इसलिए हाँ। कि मरने वाले मर जाते हैं, तुम भी कब मर जाओ, मर जाते हैं और तुम भी कब मर जाओगे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे रामवीर भैया की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और दूसरी घटना सुनिए, क्या एक बार जरासंध और कृष्ण का संग्राम हुआ, बलराम ने कहा कि भैया कृष्ण तुम इस जरासंध के सामने से युद्ध से भाग क्यों जाते हो, तो भगवान कृष्ण बोले कि जरासंध की सेना में दो हल और दुष्मक नाम के तो राक्षस हैं, वो इच्छा मृत्यु वरदानी है, जैसे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वरदानी है, ऐसे ही वो भी राक्षस इच्छा मृत्यु वरदानी है। तो भगवान कहने लगे उन राक्षसों से कि हस हस मत समय का ऐसा फेर बना, तुमने बना शेर दिया, भगवान कन्हैया कहने लगे जरासंध से
मौत तो तेरी आएगी, तू काहे करे करू। अरे जो भी आया है इस जग में जाना उसे जरूर, चकना चोर के अब तक तो तूने क्या मन जीता, तो पूछ रहे हम पास खड़े वो क्या पूछ रहे हैं कि मरने वाले मर जाते हैं, कि मरने जाते तुम भी कब मर जाओ। अब दूसरे तीसरे प्रसंग में सुनिए राम भैया, एक बार देवों की विनती सुन के भोलेनाथ नरसिंह के पास आए और नरसिंह भगवान से कहने लगे क्या सुनिए, कि दूर दुनिया का अब तो सारा भार हुआ, कि दूर दुनिया का अब तो सारा भार हुआ, इसीलिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ। भोलेनाथ कहने लगे नरसिंह से कि पृथ्वी और पाताल लोक में हुआ तुम्हारा नाम, स्वर्ग लोक में बिना तुम्हारे दुखी ही देव तमाम, दुखी है देव तमाम, दुखी है देव तमाम, कि क्रोधी कहे तुम देर करो ना जाओ अपने धाम, अरे छोड़ो अपनी ये कि छोड़ो अपनी ये सीता गीता, तो पूछ रहे हम पास खड़े। लेकिन गीत में इच्छा मृत्यु की बात है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कि छोड़ो अपनी ये सीता गीता, पूछ रहे हम पास खड़े, मरने वाले मर जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, तुम भी कब मर जाओगे, चंद्र की जय हो। आइए मेरी तरफ से कटपीस और उसके बाद आ रहे हैं रामू शर्मा। जय हो। कि मैंने भी अपना दिल लिए, Yeah!
मैंने भी अपना दिल ये जान तेरे नाम कर दिया कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। तो देखिए बात उस समय की है जब भगवान राम की सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और बजरंग बली जब पहुंच जाते हैं उनके पास और जब विदा होके जाते हैं सीता माँ के पास से सीता माँ कहने लगी जय हो कि देखो माँ सीता ने कब को ये काम दे दिया कि देखो माँ सीता ने कब को ये काम दे दिया कि अनुज सहित पग छूने का क्यों पैगाम दे दिया। देखो माँ सीता ने कब को ये काम दे दिया देखो माँ सीता ने आखिर कब को काम क्या दे दिया जब विदाई हो रही थी वीर बजरंगबली की के अनुज सहित पग छूने का भगवान राम और लक्ष्मण के लिए भी कह रही हैं कि अनुज सहित पग छूने का पैगाम दे दिया क्यों क्योंकि ये चौपाई कह रही है कि अनुज समेत गए प्रभु चरणा। अरे मेरे दोनों के लिए ही चरण बंधन कह देना और दीन बंधु प्रण तारत हरना कि देखो माँ सीता ने कब को ये काम मेरा निभाना जाके परन अनुज सहित तुम छूना चरण के बदल गया क्या है आचरण आए नहीं तो होगा मरण आए नहीं तो होगा मरण आए नहीं तो होगा मरण। कह दिया कि बदल गया क्या है आए नहीं तो होगा मरण कि चरणों की दासी को भूलना क्यों सुबह शाम किया। देखो माँ सीता ने अनुज सहित पग छूने का क्यों पैगाम दे दिया। देखो माँ सीता ने कब को ये काम दे दिया चलते चलते अपनी वही राम रटना और आ रहे हैं जवाबी का दोन लेके राम शर्मा जी। अरे राम रमैया काए जा राम लगन काए जा राम रमैया
रहा हूँ भैया।